लैपटॉप में एप्स पर लॉक कैसे लगाएं? मान लीजिए जैसे आपने YouTube डाउनलोड किया है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई सा भी ऐप डाउनलोड किया है या कोई गेम डाउनलोड किया है, उस पर केवल लॉक लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। आप चाहे तो दिस पीसी के अंदर जाकर कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप पर क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ खाली जगह पर माउस का कर्सर रखकर माउस का राइट बटन दबाइए, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, यहाँ पर कर्सर ले जाइए, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फोल्डर का, यहाँ फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने फोल्डर आ जाएगा, यहाँ कुछ भी इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर मैं रख देता हूँ एप्स। ओके, ये फोल्डर बन गया। अब जिस भी ऐप पर आप लॉक लगाना चाहते हैं उस ऐप को इस फोल्डर के अंदर डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए ये व्हाट्सएप है, इस पर मैं लॉक लगाना चाहता हूँ, तो सेटिंग में भी कोई ऐसा फीचर नहीं है कि मैं व्हाट्सएप पर लॉक लगा दूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे खींच कर लाइए और यहाँ फोल्डर में इसको डाल दीजिए। अब देखिए व्हाट्सएप इस फोल्डर के अंदर आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर पर लॉक लगा देना है। इस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए, माउस का राइट बटन दबाइए, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, यहाँ एडिट पर क्लिक कीजिए। फिर एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटर्स पर। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे चेक बॉक्स मिलेंगे, इन सबको आप चेक कर दीजिएगा। तो मैं चेक कर देता हूँ जल्दी से, ये देखिए सभी कुछ चेक हो गया। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, यहाँ से यस कर देना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। अब यहाँ से भी ओके कर दीजिए। अब देखिए आपके फोल्डर पर लॉक लग गया। जैसे ही कोई आपके इस फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से परमिशन दिखाएगा, यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने पर भी ये फोल्डर ओपन नहीं होगा। ओके, तो इसके अंदर आप जो भी एप्स रखेंगे, समझ लीजिए आपके ऐप पर लॉक लग गया। अब मान लीजिए आपको उस ऐप को ओपन करना है, तो कैसे आप करेंगे, तो फिर से आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए, माउस का राइट बटन दबाइए, प्रॉपर्टीज में आइए, सिक्योरिटी में आइए, फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स पर आइए। अब यहाँ एडिट पर क्लिक कर दीजिए, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए, और ये जितने भी चेक बॉक्स हैं जहां जहां पर आपने ये सब टिक किया है, इन सबको आप अनचेक कर दीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है, फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे फोल्डर को, आपका ऐप यहाँ पर शो करने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको फिर से छिपाना हो तो फिर से आप प्रॉपर्टीज में जाकर इसको आप फोल्डर पर लॉक लगा दीजिए। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।